राज्य भर के बेरोजगार युवा 11 तारीख को 11 अक्टूबर को 11 बजे ईपी के पास जवाहर सर्कल के नजदीक आ रहे हैं, जिनको मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया है। उसमें विशेषकर वो जवान भी हैं जिनको पोस्टिंग दी जानी है, जिनका रिजल्ट जारी करना है। एलडीसी हैं, एलडीसी पंचायत राज के भी हैं, सरकार में भर्ती के भी हैं, सेकेंड ग्रेड के टीचर भी हैं, पशु चिकित्सक भी हैं। ऐसे सारे बेरोजगार जिनको इस सरकार से आशा थी गहलोत सरकार आएगी और हमको पोस्टिंग देगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। जब से गहलोत आ रही है, जब से गहलोत सरकार आई है, तभी से ये बेरोजगार बच्चे सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उस दृष्टि से ऐसे सभी युवाओं को जिनको रोजगार दिया जाना है, नौकरी दी जानी है, उनको मैं अपील करता हूँ कि बड़ी से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 11 तारीख को जयपुर आए। इसके अलावा मैंने सरकार से मांग की है, क्योंकि सरकार ने घोषणा पत्र में रखा था कि जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रही, उनको 3,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया जा रहा। हम सरकार से उस दिन ये मांग करेंगे कि ऐसे बेरोजगारों को जिनको अभी नौकरी लगाया जाना संभव नहीं है, उनको 10,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये भी मांग हमने जोड़ी है। इसलिए राजस्थान के सभी युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि 11 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधार कर हमारी युवा रैली को और सफल बनाएं। बेरोजगार युवाओं का एक तरह से सम्मेलन है, इस सम्मेलन के जरिए हम गहलोत सरकार का, राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और मेरे को भरोसा है कि राजस्थान सरकार इस रैली के बाद युवाओं को रोजगार देगी, नौकरी देगी, जो पेंडिंग सर्विसेज हैं उन पे भी वो अपॉइंटमेंट देगी। इस बात का मैं विश्वास करता हूँ और माना सरकार ने नहीं सुनी तो मैं खुद